आपकी होस्ट बाबस। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी पब्लिक टॉक में हम एक नया इशू लेकर आते हैं, तो इस बार भी हम उसी तरह का एक इशू लेकर आए हैं आवाम से बात करने के लिए, आवाम की परेशानी जानने के लिए कि आवाम किस हद तक परेशान है इसमें। तो इस हवाले से आवाम से जानते हैं कि हमारा जो इशू है ना आज, वो है महंगाई। तो हम महंगाई के हवाले से आवाम से जानते हैं कि आवाम कितनी परेशान है, कितनी मुश्किलात में है और किस हद तक महंगाई हो गई है, तो इसमें आवाम से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा खान रिंद। हमजा खान साहब, बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? भाई महंगाई मेरे नज़र में तो मेरा ख्याल है कोई 300% बढ़ गई है। अभी ये बारिशों में जो है सब्जी के रेट देखें आप, भिंडी है 200 रुपये किलो है, टमाटर 400 रुपये किलो है, प्याज ये हाथ से करते हैं, ये जो सरमायादार लोग हैं इनके बड़े बड़े गोदाम हैं उनमें जाके माल इकट्ठा करते हैं, गरीब लोग तो वैसे ही परेशान है, हर दौर में परेशान है। तो इसमें हुकूमत कुछ कर रही है? क्या कर रही है हुकूमत, हमें तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा करने के लिए। अच्छा, हुकूमत चेंज होने के बाद महंगाई हुई है या पहले से महंगाई थी? नहीं, महंगाई तो इमरान खान के दौर में ही हुई है ना, पहले भी थी अब भी है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं इमरान खान के दौर से महंगाई बढ़ी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बशीर खान। बशीर खान साहब, बताइएगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है या अब थोड़ी सी कम हुई है? नहीं, महंगाई बढ़ गई है, अभी थोड़ी बहुत आलसे ऐसे कम हो रही है, लेकिन महंगाई जो है काफी ज्यादा हो गई है। आदमी को गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, लिहाजा तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है, तो लिहाजा साफ लोगों को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? हाँ, तनख्वाह बस गुजारा चल जाता है, लेकिन कम है तनख्वाहें, कम है तनख्वाह। तो आपका गुजारा चल जाता है? नहीं, गुजारा नहीं चलता, कर्ज लेना पड़ता है, इधर से लो उधर से लो, बस अल्लाह पाक चलाने वाले हैं। तो कौन कर रहा है महंगाई इतनी? बस महंगाई तो इमरान खान ने शुरू की है। इमरान खान ने शुरू की है महंगाई? तो नून लीग का इसमें कोई हाथ नहीं है? नहीं, वो तो बेचारे बाद में आए हैं। अच्छा, वो तो बाद में। ठीक ठीक। हाँ, बस हम यही कहेंगे कि कुछ आसानी करें ताकि गरीबों के लिए आसानी हो। तो अभी तो नून लीग की हुकूमत है, तो आप उन्हें बोलें कि आसानी करें थोड़ी सी। नून लीग वाले तो बीच में आके फंस गए ना, हम तो किसी की साइड पर नहीं है ना, हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बात तो हक की करनी चाहिए ना, महंगाई तो वहीं से बढ़ी है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताएंगे कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगा हो रहा है। आज से जो एक साल पहले जिस चीज़ की कीमत 50 रुपये होती थी, अभी 500 में है तकरीबन, और कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी कोई इम्कान नहीं है कि कम हो जाए। तो कारोबार मुतासर हुआ है इससे? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है कारोबार, तो कारोबार बस नाम का रह गया है, बाकी तो कारोबार कुछ भी नहीं है, बस टप टुक हो रहा है, ज़्यादा काम तो है भी नहीं। आवाम का रश वगैरह नज़र आ रहा है? रश तो बस बहुत कम है। कम है? हाँ। वैसे मैं देख रही हूँ कि पहले जिस तरह का तारिक रोड हो रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल खाली है, इसकी वजह महंगाई है? इसकी वजह महंगाई भी है, और तकरीबन अभी जो सैलाब आया इस वजह से भी मेरे ख्याल में बहुत बहुत सारे लोग तवज्जो उस तरफ है, तो शॉपिंग से शॉपिंग की तरफ कम आ रहा है, ये वजह भी हो सकती है। आप लोगों को माल जो पहले वहाँ से आता था वो अब उसी रेंज में आ रहा है, थोड़ा सा उसमें भी बढ़ा हुआ है? नहीं, अभी बढ़ गया, अभी बकराई से पहले जिस रेट का हमने माल लिया था, अभी एक एक मीटर पे 25-30 रुपये बढ़ गया है, तो ये तो मैंने खुद जो लिया था उसका बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है और अभी भी महंगाई और मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं? जी, महंगाई तो डबल के ट्रिपल हो गई है, क्योंकि एक साल पहले आप अगर देखा जाए तो हमारा जो हम घर के जो आटा वगैरह जो सिलेंडर वगैरह जो भरते थे, कल अब मेरी वाइफ से बात हो रही थी कि 4000 का एक सिलेंडर भरा, उससे पहले मैं जब आया 2200 का, तो इसी तरह महंगाई तो डबल का ट्रिपल हो रही है, पैसा हमारा जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, और ओवरऑल देखा जाए तो हालत बहुत ख़राब है गरीब लोगों के लिए। किचन का अगर 50,000-60,000 सैलरी दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है किचन का काम चलाने के लिए ना। तो असल में गरीब लोग फंस रहे हैं, कारोबार के आप देखा जाए तो हमारा कारोबार बिल्कुल ऑफ हुआ है, काम भी नहीं है और यहाँ से महंगाई भी ज़्यादा है,
तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम कोई रिलीफ दे गरीबों को, तो सिस्टम चलाए वो नहीं है, बस वो अपनी रिलीफ में लगे हुए हैं कि हमें रिलीफ मिले। और गरीब तो इसी तरह हर एक गवर्नमेंट आएगी बोला हम ये सही करेंगे, पहले वाले ने की, अब ये आया बोले पहले वाले ने की, तो हालत इसी तरह है, अब हम कहाँ जाएँ। गरीब किस वजह से महंगाई हुई है इतनी, हुकूमत ने की है महंगाई, इस वजह से हुकूमत ही नहीं की, क्योंकि 75 साल से हुकूमत चला रही है, तो हमारा मुल्क कौन चला रहा है, हुकूमत चला रहा है या एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इसके तो कोई वो माने नहीं रखते ना, तो हमारा हम क्या करें, हमारे से जो बांग्लादेश अलग हुआ वो कहाँ चला गया, उसकी इकोनॉमी देखो, उनका जो पैसा देखो, हम बाहर मुल्क में बाहर रह के आया हूँ तो उनका ऑलरेडी पैसा, और हमारा इंडिया का देखो, तो हर एक मुल्क अपना मुल्क आवाम के लिए करते हैं, हमारा बेसिकली ये है कि बस हम इमदादों के लिए, अगर सैलाब आ जाए तो टेंट लगाए खड़े रहते इमदाद के लिए, यार इमदाद दो, आवाम ही देती है इमदाद और आवाम ही को खा रहे, क्यों हमारे पास ठोस वो सिस्टम नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा टैक्स का जो इकट्ठे करते हैं उनको सही जगह पर लगाए, आवाम को रिलीफ दें, सिस्टम सही करें गवर्नमेंट का, आवाम के लिए करें, ये नहीं कि अपने लिए रिलीफ करें, और करप्शन हर चीज़ में करप्शन है, यहाँ से पुलिस को देखो, हर एक बंदा करप्शन में लगा हुआ, पाकिस्तान को खाने में लगा। मेरा ये सवाल है कि महंगाई कम होगी किस तरह? महंगाई लीडरशिप से होगी, अच्छा लीडर आएगा तो महंगाई कम होगी, क्यों होगी, वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा, वो बाहर से इन्वेस्ट लेकर आएगा पाकिस्तान में, यहाँ पे काम होगा, हमारा आवाम को रिलीफ देगा तो महंगाई कम होगी। और आपकी नज़र में अच्छा लीडर कौन है? सबसे बेस्ट लीडर जो है पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो इमरान खान सबसे बेस्ट, वो क्यों, वो सच्चा ईमानदार और पाकिस्तान से वो है। अब अगर देखा जाए ये रिजीम चेंज जो हुई है क्यों हुई, किस वजह से हुई, हम ये नहीं बोला कि वो लीडर सही है ये लीडर, हमारे ही नज़र में 3 साल वो रहा है, तो हमारा यहाँ केपीके से मेरे ताल्लुक है, वहाँ का सिस्टम देखो, और बेसिकली वो मेरिट की बात करते हैं, आवाम के लिए करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं, अपने लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान को वापस आना चाहिए? इमरान खान को वापस लेके आएंगे, आवाम लेके आएगी, क्योंकि वापस लेके आने वाले जो है जिसको लेके आए ना वो उनको आपस में बिगड़े हुए, वो उनको छतरी के नीचे किए हुए, और यहाँ पे सब ब्लैकआउट है, मीडिया ब्लैकआउट है, यूट्यूब में कलम देख रहे हैं वो ब्लैकआउट है, और गद्दारी के फितवे जारी हो रहे हैं कि हम गद्दारी, या अगर इस तरह बात कर रहे थे गद्दार है, कौन सा गद्दार है, हमें बताएं कि गद्दार किस तरह होते हैं, गद्दार उसको बोलते हैं कि यार अपने वतन से मुखलिस ना, वो तो मुखलिस है आवाम के लिए, आप भी हो, आप भी हमारे जो फौज के दारे जितने वो भी हमारे लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की हिफाजत करें सब, लेकिन क्या मेरिट का सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट है, लीडर को छोड़ पाकिस्तान फर्स्ट है, कौन सा लीडर सही होगा यहाँ पे पाकिस्तान के लोग, हम उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, भले कोई भी हो। यहाँ पे कुछ सामान बेचने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएंगे कि महंगाई किस हद तक हो गई है? महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब आदमी समझ लो पीछे ही जा रहा है, और उसकी कोई तौफीक नहीं है कि उसके लिए कोई कुछ कर सके। मैं सुबह से आया हुआ हूँ, कोई कारोबार नहीं है, मैंने 200 रुपये कमाए हैं जिसमें से मुझे घर भी चलाना है, किराए का मकान है मेरा, बहुत अखराजात है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जवान बहनें भी हैं, लेकिन परेशानी इतनी है ना कि गरीब आदमी समझ लो उससे ज़्यादा डूबे ही जा रहा है बेचारा। बाकी जिन लोगों के पास अल्लाह ने दिया हुआ उन लोगों के दिलों में एहसास भी नहीं है। गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? बस गुजर बसर ऐसे ही हो रहा है कि बस थोड़ा खा रहे हैं, थोड़े में अपना गुजारा कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की आस पे जो कुछ भी। कुछ कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना सोचती है जिसको सोचना होता है, वही बात है, अगर किसी गरीब का सोचे तो हर गरीब आदमी खुश हो जाए अपने घर को लेके, हर आदमी परेशान है अपने घरों को लेके, इसलिए गवर्नमेंट अपना पूरा करने का सोचती है, हर इंसान अपना अपना ही सोच रहा है, जिसके पास है वो भी अपना सोच रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा गुजर बसर कर रहा है। इतना है कि दो वक्त खा लेते हैं आप? हाँ, बड़ी मुश्किल से दो वक्त का अल्लाह ताला खिला ही देता है, वो भी दो टाइम काम करने के बाद, एक टाइम से गुजर बसर नहीं है किसी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? पलवशा। पलवशा, आप ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, इवन कराची की रोड्स का हाल देखें, किस चीज़ पर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा कोई भी। ऐसा कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और कौन होगा, पीपल्स पार्टी वालों ने तो सबकी बैंड बजाई हुई है, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, सब जिम्मेदार हैं, कोई नहीं देखने वाला है। किसी एक पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी नहीं, वोट तो देना ही नहीं है इनमें से किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। आपका नाम? शाजिया। शाजिया, बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? बहुत ही ज्यादा है, मालूम नहीं बेचारे गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत ही महंगा है, कुछ तो करें भाई कम करने के लिए। बिल्कुल, गुजर बसर तो नॉर्मल लोगों का भी बहुत बुरा हो रहा है, बहुत मुश्किल, तो फिर गरीबों को क्या हाल होगा? बहुत मुश्किल है, हमसे भी कुछ नहीं हो पा रहा, बस अल्लाह रहम करे। तो इसमें किसका हाथ है?
अब उसका तो पता नहीं, अल्लाह ही जाने, बस दुआ कर सकते हैं कि लोग बेहतर करते हैं किसी तरह। तो कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें? ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन अब किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, अल्लाह बेहतर करे बस। अच्छा, ये सैलाब मुतासरीन जो हुआ है, सैलाब जो आया है, उसके बाद जो इतने के नाम है इफेक्ट हुआ है हमारा नाम है माशा, तो इसमें कारोबार चमक रहे हैं, मजीद महंगाई और हो गई है? बहुत हो गई है, बट अल्लाह बेहतर अपने कारोबार चमका रहे हैं। कहाँ बेचारे चमका रहे हैं, पैसे कहाँ है किसी के पास ना खर्च करने को, ना ही वो बेचारे पैसे अपने पूरे भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, नोटिस किया है कि वहाँ सैलाब तो आया है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने मजीद अशिया महंगी कर दी है, मजीद चीज़ें महंगी कर दी है। बस अब वही कि दुआ कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर कर दे और सब अच्छा हो जाए, बस यही दुआ कर सकते हैं। लहाब, ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा। आजकल के जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो समझे कि बिल्कुल पीस के रह गए। जो घरों की हालत हो गई है, मियाँ बीवी में झगड़े, फसादात, और एक ये बात भी कहूँगी कि महंगाई तो हो गई है, अब लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोड शेडिंग, आप हमसे बिल भी इतने ज़्यादा ले रहे हैं और आप हमें उसमें पैसे जो है बिजली तो कम से कम फरहम कर दें, आप हमें बिजली भी फरहम नहीं कर रहे, आप उसके हमें उनसे पैसे भी ले रहे हैं। यूनिट्स भी काफ़ी बढ़ गए, यूनिट्स भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और सुनने में आया है अभी और भी यूनिट्स बढ़ेंगे। जी, मजीद बढ़ने का इरादा अभी सुनने में आया कि मजीद बढ़ने का है, तो ये गलत बात है। ये इस तरीके से अगर बंदा जो एक कमाने वाला होगा, 10 खाने वाले होंगे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल सही कहा। तो आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से, ये हमें ही पता है, और बस कैसे जो हमारे हस्बैंड और मैं, मेरी सांस जो है वो किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सच बात है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे ना वो कुछ भी कर सकती है, पर हमारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने जेबों में डाल रही है। जो बात है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, यहाँ पे तो वो होते ही नहीं है। जो बात है, आप कराची के हालात देख लें, आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? रोड वही टूटे फूटे हो रहे हैं, आवाम अपनी मदद आम ही हो गई है कि यहाँ रोड टूटा वहाँ टूटा, मतलब गिर गिरा के जहाँ तक पहुँचना होता है गिर गिरा के पहुँचते हैं। ये हालत हो गई है कराची की, और महंगाई के टैक्सेस बिल और ये सब चीज़, तो इसका जिम्मेदार आप हुकूमत को ठहराती हैं? बिल्कुल, हुकूमत ही है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना। जो गवर्नमेंट है उसको एहसास होना चाहिए कि मैं अपने जो है किस तरीके से बंदों को ऐसा करूं कि वो लोग थोड़े से सुकून में आए। अब बंदा बाहर से आता है, रोड की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, सब की टेंशन लेके घर पे आए, तो फिर मियाँ बीवी का झगड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि महंगाई की वजह से घर भी सुकून में नहीं है, बेसुकूनी में? बहुत से घर तो अब ऐसे हो गए हैं कि टूटने की हद तक पहुँच चुके हैं, कि बस अब जो है टूटना, झगड़े होते हैं, अब जाहिर सी बात है बच्चों के दूध, दवाइयाँ, सब कुछ उसमें मैनेज एक बंदे की सैलरी पे करना पड़ता है। और एक चीज़ नहीं बढ़ती महंगाई में, फिर सारी जो पेट्रोल आप देख ले कहाँ आसमान तक पहुँच गया है, बंदा जाने से पहले भी सोचता है, पर मजबूरन निकलना पड़ता है, क्या करेंगे, निकलना भी ज़रूरी है। चले, होप ये आपका पैगाम आगे पहुँच चुका होगा। ज़रूर, आप ये मेरा पैगाम ज़रूर, और मैं हुकूमत से ये भी कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ खुददारा ये जो महंगाई है इसको कम कर दें, ताकि जो है लोग थोड़ा सा सुकून से अपने घरों में सांस ले सकें। चले, मजीद ये आपका पैगाम पहुँच चुका है, थैंक यू। उनको इस राह में चलना चाहिए, हुकूमत को ये समझना चाहिए, अवाम बहुत परेशान नज़र आ रही है यहाँ पर, तो इस पर नज़रसानी करें और थोड़ा सा अवाम का ख्याल करें। तो यहाँ पर हम एक दुकान पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? महंगाई 200% बढ़ गई है। अच्छा। और महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं और हमारे आमाल हैं, समझिए ना, हमारे हुक्मरान भी हैं और हमारे आमाल भी हैं। जैसे हमारे आमाल हैं ऐसे हुक्मरान में अल्लाह पाक ने मुसल्लत कर दिए। तो किस हुक्मरान की आप बात कर रहे हैं? इस वक्त तो सब एक ही हमाम में सब लंगे हैं। अच्छा, तो मतलब सब आप इसी में मिले हुए? सब इस वक्त एक साथ हैं। अच्छा, कोई आगे पीछे नहीं है। तो आप किसी को वोट नहीं करते? मैं वोट दूंगा ही नहीं, अब इससे पहले करता था, लेकिन अब वोट नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। ये तो हर इंसान का हक है। हक है, लेकिन मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको करना तो चाहिए। करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, किसको दूँ? जब आने से पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बड़ी अच्छी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, आने के बाद भूल जाते हैं हमने कुछ वादा किया किसी से।
इतने वादे किए हैं हद से ज्यादा। तो इसमें आपको कोई भी बेहतर नहीं लगा है? सब बेहतर है, एक हम ही बुरे हैं। अच्छा, सब अच्छे हैं, एक हम बुरे हैं। खुद हम अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। तो हुक्मरान कैसे अच्छे होंगे इसमें अगर हम अच्छे हो जाएंगे? सब हो जाएंगे। जब हम अच्छे होने, आवाम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे ना, तो हुक्मरान खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे। जब आवाम ही अच्छे नहीं है तो आवाम हुक्मरान कैसे अच्छे मिले? चले, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमें खुद को बदलना चाहिए, पहले फिर आगे के बारे में सोचो। चले, बहुत शुक्रिया आपका। होप कि आपका ये पैगाम आगे पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब पराचे। हसीब साहब, आपने जो इतना बड़ा कारोबार खोला हुआ है, तो इसमें अब ये बताएं कि आवाम का रश आपको मिल रहा है या फिर बिल्कुल खाली मार्केट्स हैं? जनाब, सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ना 20% काम है, 100 में से 80% काम लेस हो गया मार्केटों से। इसकी वजह? इसकी वजह महंगाई, आपको भी पता है। और महंगाई भी ऐसी नहीं, तकरीबन ये समझ लीजिए कि 200% अबव महंगाई, इतनी महंगाई हो गई। लोगों के परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, लोग किस तरह ख़रीदारी करें, लोगों का खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, तो ये तो फिर बहुत लग्जरी आइटम है, पहनना ओढ़ना फिर बाद में आता है। हालांकि आप लोगों का तो सीज़न है। अरे जनाब, अब सीज़न कोई सीज़न नहीं रहा। 4 महीने से तकरीबन तमाम कारोबार का हाल बहुत बुरा है। पहले अब देखें ना, हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग अपना वही सैलरी है लोगों की 25,000-30,000, और महंगाई कहाँ चल रही है 100% अबव, तो लाजमी सी बात है वो कैसे पूरा करेगा? इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हम सब भी कह सकते हैं, और दूसरा ये हमारी गवर्नमेंट। हम सब कैसे इसका जिम्मेदार है? हम सब इसलिए, क्योंकि हम सब इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम सब के अंदर एका नहीं है। हमारी आवाम जो है मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ गई है, पार्टियों में बढ़ गई है। जब इस तरह की बात आती है तो हमारे लिए पूरा पाकिस्तान एक होना चाहिए। मेरा एक और सवाल है इसी हवाले से कि आज अब जो सैलाब आया है उसमें जो इतनी तबाही मची है, तो इसमें जो है कारोबार जो मज़ीद बढ़ा दिया गया है, तो इस पर कौन जिम्मेदार है? इसमें तो फिर जो हमारी आवाम है वो भी पूरी शामिल है। देखें, जो अभी ये सैलाब आए, ये तो देखें अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई इंसान का तो कोई वो नहीं है, ना कोई इसमें गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई मामला है। मसला ऐसा है कि हमारे मुल्क की देखें इकोनॉमी इतनी तबाह हो गई है कि अब हम इसको रिकवर करते 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 भी जो है ना, हमें सालों लग जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये देखें, सैलाब तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारे अमालों की भी कुछ सज़ा है। जाहिर सी बात है, जैसे अमाल होंगे वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान भी मुसल्लत होंगे, और वैसे ही अल्लाह की तरफ से फैसले भी आएंगे। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन इस दौरान ही जब आवाम को उनकी मदद करनी चाहिए, जहाँ पर जो कुछ कुछ जगह पर नज़र आ रहा है कि इसमें कारोबार भी मज़ीद और चढ़ाया जा रहा है। नहीं, कारोबार तो नहीं चढ़ाया जा रहा कोई ऐसा। दूसरा ये है कि देखें, अब हमें पीछे से जो चीज़ देखें, एक तरीके से जो कपड़ा हमें 250 पर यार्ड मिलता था, आज वही कपड़ा हमें 400 पर यार्ड मिल रहा है। ठीक है, अब मसला ऐसा है, देखें हर चीज़ के अंदर प्राइस रेट इतना अबव चला गया कि समझ लें कि कॉस्टिंग जो चीज़ की पहले आती थी हमारे ड्रेसेस के अंदर 10,000-12,000 जो हमारे ड्रेसेस की कॉस्टिंग आती थी, आज उन्हीं ड्रेसेस की 15,000-18,000 उसकी जो है ना कॉस्टिंग आ रही है। मतलब डबल डबल हो गई है जनाब। अभी आप देखें ना बिजली के बिलों का क्या हाल है। मेरे घर का बिल आता था जनाब इलेक्ट्रिक बिल 10,000-12,000, अभी रिसेंटली मेरा करंट बिल आया है जनाब 29,500। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये यूनिट्स और मज़ीद बढ़ेंगे। यूनिट्स नहीं बढ़े, देखें बिल यूनिट्स कम हुए। लास्ट मंथ मेरा 605 यूनिट का बिल था, इस दफ़ा 590 यूनिट का बिल है, और मज़ीद उससे 3 गुना ज़्यादा उसका बिल है। तो आप बताएं इसका ज़िम्मेदार तो कौन है? ये सब हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, किस तरह कर रही है? अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों को अल्लाह ने इतना दिल दिया है कि तमाम सैलाब ज़दगान को इतनी मदद कर रहे हैं, और जो जिससे हो रहा है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। ठीक है ना,
बस अल्लाह पाक, हम तो ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह कोई ऐसा इस मुल्क के अंदर आए जो हमारे मुल्क का निज़ाम संभाले। जी बिल्कुल, मैंने पहला प्रोग्राम अपना सैलाब ज़ाद खान पे ही किया हुआ था, काफ़ी इमदाद लोग दे रहे हैं, मैंने खुद देखा है और बाकायदा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारा कराची तो सबसे ऊपर है इस चीज़ में, तो इसका कोई बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दीनी माशाल्लाह जमातें भी हैं और हमारी आर्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत काम कर रही है और अल्लाह पाक उन्हें सबको जो जो ये इस काम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह सबको जो है ना हिम्मत दे, ताकत दे और अल्लाह उनका कबूल करे वहाँ लगा। आमीन आमीन। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो काफ़ी सारा सामान बेच रहे हैं, तो उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप ये बताइएगा कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है? महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ गई, डबल से ट्रिपल हो गई है। जो हम खिलौना 10 रुपये का लाते थे आज 80 रुपये का। कब से बेच रहे हैं आप ये खिलौने? काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं, तो अभी उतना फ़र्क नज़र आया है? हर चीज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है, इस पर खिलौनों में थोड़ी घर की ज़रूरत के सामान ले रहे जाओ, घी ले रहे जाओ, आटा ले रहे जाओ, चीनी ले रहे जाओ, सब में डबल ट्रिपल फ़र्क है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे हुक्मरान है और कौन है, कुरान भी इसकी बात कह रहा है, तो हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी रियायत का ख्याल करें, इससे पहले भी देखें और दुनिया में जलजले तूफान आते हैं, अपने आवाम का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। महंगाई किस तरह कम करेंगे वो? महंगाई तो उनके बस का है ही नहीं ना, वो तो अपने घरों को भर रहे हैं, तो इससे कैसे महंगाई कम है? यहाँ क़यादतें मौजूद हैं, अब उनकी आदतों को आप लेकर आएँ जो मसाइल भी हल हो जाएंगे, बगैर IMF के बाद जाने के बगैर भी लोग काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमें सहारा तो इन्हीं लोगों ने दे दिया, तीनों लोगों ने, तो उससे तो मुल्क डूब ही रहे, आगे क्या तरक्की करेंगे, मजीद और डूबेंगे। अभी आपने सैलाब में हाल नहीं देखा फिर आप और हम तो यहाँ खड़े हैं हिफाजत से, लेकिन वो भी तो हमारे बहन भाई मुसलमान बहन भाई थे और उनको डुबो दिया, उनके घर बार भी दबो गए, कौन उसको बनाएगा भैया? उनको ये सहूलत अमेरिका में देखें, जापान में देखें, चीन में देखें, अभी इससे बड़ा जल्जला है, कई गुना बड़ा जल्जला है, लेकिन उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, इंतजाम किए हुए, आवाम को एक नुकसान नहीं हुआ, जरा से भी एक आवाम की अमवाद नहीं, पानी से भी निकाला, हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू किया, सब कुछ किया, यहाँ कोई करने वाले अपना पेट भरने वाले हैं, यहाँ तो आपका मेरा कहाँ से ख्याल करेंगे, तो महंगाई तो कैसे रुकेगी? तो किस तरह महंगाई कम की जाएगी? महंगाई कम करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको लाते नहीं ना, ये तो ऐसा कि कौन मौजूद है? जमात इस्लामी मौजूद है, प्लेटफॉर्म इस्लामी को आना चाहिए, जमात इस्लामी काम कर रही है, जमात इस्लामी हर प्लेटफॉर्म पे बात कर रही है, महंगाई के प्लेटफॉर्म पे बात कर रही है, हम घरों से निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, जो हमारे वसाइल नहीं उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं ना, हमें देखें क्या था? हम चार महीने में आपको रिजल्ट बता देंगे क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज भी हम हर बार की तरह एक इशू लेकर आए थे और वो था महंगाई, और हमेशा की तरह इस बार भी हमें आवाम से इसी हवाले से जाना, और जहाँ से पता चला कि आवाम वाकई बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात में है, महंगाई मज़ीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, और सैलाब आया है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से भी महंगाई और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, तो इसमें किसका हाथ है? हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है, ये आवाम कहती है, हम नहीं कह रहे, आवाम कह रही है, लेकिन मुझे जानना ये है कि क्यों हुकूमत इसमें कोई इकदाम नहीं कर रही, क्यों, क्या वजह है कि हुकूमत इसमें कुछ नहीं बोल रही और सिर्फ देख रही है कि इतना बड़ा हमारे ऊपर अजाब नाजिल हुआ है सैलाब की सूरत में, लेकिन फिर भी कोई महंगाई पे कोई काबू नहीं किया जा रहा और इस पे आवाम भी बहुत परेशान है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह हाफिज़।